सागर में अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। पीएमसीएम ने किया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हितग्राहियों से किया संवाद। नगर के कैंट वार्ड 7 एवं इंदिरा नगर वार्ड में मुख्य अतिथियों ने किया राशन वितरण। केंद्र एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने सागर जिले भर में समस्त राशन दुकानों पर शासन द्वारा अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार 7 अगस्त को 11 बजे नगर की सभी राशन दुकानों पर अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने लैपटॉप LCD एवं अन्य संसाधन के माध्यम से वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से सीधी बात कर योजना के संबंध में संवाद किया। सिविल लाइन कैंट के 7 नंबर बाद स्थित राशन दुकान पर अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी पात्र हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर पार्टी के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती पूनम वीरेंद्र पटेल पार्षद एवं मंडल उपाध्यक्ष उमाशंकर पटेल, सौरभ केसरवानी, नोडल अधिकार मोहम्मद इश्तियाक खान, हरिओम केसरवानी, निक्की ठाकुर एवं सेल्समैन मोनू केसरवानी उपस्थित रहे। इसी तरह सागर शहर के इंदिरा नगर वार्ड में शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान पर राशन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नगर उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल एवं मंडल कोषाध्यक्ष अश्विनी तिवारी, पूर्व पार्षद रितेश तिवारी, भाजपा जिला महामंत्री श्याम तिवारी उपस्थित रहे। हमें बताना है और उसकी जानकारी देना है, तभी उस जानकारी से प्राप्त होकर उस जानकारी की उन्हें लाभ प्राप्त होगा। और जो भी योजना उन तक नहीं पहुँच पाती है, जैसे हमारे संध्या देवी हैं, उनके उन्हें बताएं, सभी जानकारी दें। और आज का जो कार्यक्रम है अन्नदान का, और जो भी इसके लिए लाभान्वित है उनको लाभ दिया जाए, उन्हें वितरित किया जाए, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इस कोरोना महामारी में जो जब घर से जो कोई बाहर नहीं निकलता था, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका घर घर तक उनका लाभ दिया गया। जैसे घर तक पहुंचाना, दूर दराज से जो लोग बाहर रहते थे उनको घर तक पहुंचाने की पूरी सुविधा दी गई, उनको अन्न की व्यवस्था की गई, खाना पीना की व्यवस्था की गई, और जो भी सुविधाएं थी वो सुविधाएं दी गई। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद आप सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये टाइटल स्टार न्यूज 24 के लिए सागर से रहीम खान की रिपोर्ट।